की औरत है कि तेरी औरत है? इससे मैं बात नहीं कर पाऊंगी। नहीं तुम बहुत अच्छे हो। अरे ऊपर अम्मा नीचे कहा अम्मा ही चुप रहो। चलो वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं रहूं मेरे बिना तू ना रही हो के जुदा। क्या देख रहा है? तुम्हारा काम पर ठंडी महीना संतली को हिला खाई और एक को बहन नहीं है तो नहीं एक को बहन हुए तो नंबर उमर दियो कौन? कोई नहीं मैं अकेली हूँ। अकेले? हाँ एक सहेली है मेरी। नंबर दियो फिर। ये बताओ तुम शादी करोगे? शादी नहीं करा ब्याह करा। ब्याह करोगे पक्का? मेरी कसम भाई कसम लखवाओ या माल्या आओ कहो मिलेगा तो ओके शादी करा। तो नहीं बताऊंगी। तो बता दो मैं कसम खा रही हूँ। कसम खा रहा हूँ। कसम खाते हो ना? हाँ। तो तुम्हें एक लड़की नंबर एक की मैं याद बताऊंगी। आज ही मैंने उससे बात किया था। दहेज में कहाँ मिले? 5 लाख रुपए मिलेंगे। ब्लोरो मिलेगी? ब्लोरो नहीं लूंगा। क्या लोगे? मारुति गार्ड। मारुति कार? हाँ कार। मारुति कार मिलेगी। शादी करोगी ना पक्का? शादी नहीं करा ब्याह करा। ब्याह करोगी ना? आज ही मैंने लड़की देखी है। कहाँ? आज ही। कहाँ? जामो में। बगले जामो चौराहा पे रोड पे झिल्ली भी नहीं थी। झिल्ली वाली उसी तरह की लड़की इसको चाहिए भी क्योंकि ये छिड़काव ना ज्यादा लेता है। ले रहो ए अब चलो तुम प्यार ना करो ठीक है? ठीक है बाय बाय। और सुनो मैं तुमसे जब मिलना चाहूंगी हाँ, या कोई काम पड़ेगा हाँ, तो तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर भेजूंगी। ओके चिट्ठी जैसे ज्यादा इच्छा का है मिले गए बगिया में। अच्छा यानी तू जानता है। याद करो उस बगिया को। ठीक है बाय बाय। क्या है बस्ता? हाँ अपना बस्ता उठा लो बेटा बस्ता। हो गई पढ़ाई? अरे यार स्कूल चलते हैं अभी कहाँ पढ़ाई हो गई? देखो तुम भी जाओ मैं भी जाती हूँ। हाँ क्यों नहीं। हेलो हेलो आगे मोहम्मद साहिब लिखे भैया। मोहम्मद साहिब दुल्हन का पुरवा लगा 101 रुपया का व्यवहार पार्टी से भैया। छुट्टी हो गई तो इसका मतलब छुट्टी हो गई तो तुम भी घर जाओ। चलिए ठीक है कोई बात नहीं किसी से बताना नहीं। ओके मैं जाती हूँ जाओ। क्या हुआ कोई नहीं है ऐसा है डुबकी वाले। आपकी आओ 10 रुपए लेता हूँ। 10 रुपए क्या करूँगी? 10 रुपया हमका तुम दई है तो स्टोर पर चला दे 10 रुपए हम दू ठाई लाऊ। क्या तुम्हारे फायदे के बाद 10 रुपए क्या प्यार जहाँ जितना करा 10 रुपए दिए तो रहू बस। तो 10 रुपए में क्या होगा? 10 रुपए हम जाब स्टोर पर दू ठाई मिले। क्या कंडोम? जो भी आता है तो अपने मुंह से बकता जाता है साथ साथ अपनी बुराई साथ में मेरी भी बुराई करवाता है। हाँ बिया है पहले सब इस्तेमाल करे कि चाहिए। चलो कोई बात नहीं कॉलेज में छुट्टी हो गई अब हम चलते हैं घर। पहले क्या है कहते हो
यार जब से मैं इनका से प्यार क्या हो गया, मेरा दिल बेचैन रहता है। अच्छा खट्टा खा के मन का लगता है? अरे जगदेव भैया गोग मौसी आए हैं, कहना क्या है उनके लिए? जादूगरो जादूगर बाजी करो बाजी कर, मेरा दिल सारा केला तूने के लिए तो केला कोई केला जादू करे। बाजी करो बाजी शेरपुरा क्या हुआ? बड़ा गड़बड़ हो गया बे, जिस काम से मैं गया वो काम साला अधूरा का अधूरा रह गया। यही तो हम भी सोच रहे हैं। अगर राजकुमारी मेनका सम्राट के पास पहुंच कर ये बातें बता दिया तो मेरी फांसी की सजा समझ लो मुकर्रर है। तो क्या करोगे? मरने से पहले मुझे कोई रास्ता अपनाना चाहिए कि मैं तो उससे बच सकता। कोई रास्ता सोचो। चलो चलो डैडी से मिलो। डैडी से मुलाकात करूंगा तो वहाँ वो भी मारेंगे मुझे। मारेंगे नहीं, कुछ रास्ता बताएंगे। तो चलो इस वक्त में चलता। नहीं बेटा तुम्हारी सिलाई हो जाए। निरहुआ भाऊजी की जय हो। खुश रहो, आज हम बहुत खुश हैं। कहे आप खसी हैं? खसी नहीं तो साले हम बकरा हैं। अबे हम खुशी हैं। काहे बड़े? इसलिए कि आज हमारा बेटा जंगल में जाकर राजकुमारी को अपने सीने से लगाया होगा। ये बात कौन कौन सी बातें नहीं होगी। मुझसे तुम कहो निकलो कहो। पिताजी मैं तुमसे काम नहीं गए हो पाया, खुद जान बचा करके मैं अपनी वापस हूँ मैं आया। क्या कहा तू जान बचा कर आया? हाँ पिताजी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक काम तो किया लेकिन काम साला अधूरा रह गया। समझ में हमारे नहीं आ रहा तो एक लड़की से तो जान बचा कर आया, आखिर हुआ क्या था? पिताजी मैं यहाँ से जब गया तो राजकुमारी मेनका बियाबान जंगल में शिकार खेल रही थी। मैंने उससे मोहब्बत की दो चार बातें किया, उस रामजादी ने इनकार कर दिया। जब उसने इनकार कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं उस रामजादी को उठाकर जमीन पे पटक दिया और वो साली चिल्लाने लगी और कहा जिस तरह से तुम हमारे साथ कर रहे हो मैं खबर जाकर महाराज से बता दूंगी। पागल कहीं का, तुझे क्या समझाया था रे? मैंने कहा था कि जाकर राजकुमारी को
प्यार के जाल में फंसा और कोई अनुचित बात नहीं करना जिससे कि राजकुमारी रूठ जाए, गुस्सा हो जाए। और तूने वही किया जिसको मुझे डर था। अब हैरान खोर, तेरी शादी तो बाद में, पहले तेरी फांसी होगी। मुझे बचा लो, जान है तो जहान है, नहीं तो और ना मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। जो बाप का कहना नहीं मानता है और अपनी मूड़ी का काम करता है तो ऐसे ही धोखा खाता है। थोड़ा प्यार से समझाओ, लेके उठा पटक दी यार, गलत करी ना। लाख यही समझाया था कि हमें सिर्फ उसका धन दौलत चाहिए, किसी भी प्रकार से तू उससे मोहब्बत कर बैठ, वो तुझसे मोहब्बत कर बैठे, और जब मोहब्बत कर बैठेगी तो खुद राजकुमारी तुझसे कहे कि हम शादी करना तुझसे चाहती हूँ, ताकि हम महाराज से कहकर तेरी शादी रचवा दूं, तेरे सर पे ताज हो जाए, तू यहाँ का राजा हो जाए, और तू राजा बन जाएगा तो हमारी उज्जैन नगर में इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन अब तो गयो काम से, क्या करूं बेटा, चाहता हूं मरना नहीं चाहता हूं। पीछे अब मैं कोई रास्ता सोचना ही पड़ेगा। पीछे से नहीं हम साले, खरिंजा सोचो, रास्ता नहीं खरिंजा। एक हमारे खोपड़ी में रास्ता नजर आ रहा है। अच्छा बोलो, चंदन गांव खरिंजा का है ना, हमारी खोपड़ी में खरिंजा भी तो साले चौराहा है, घुसकर देखोगे। कुछ सोचने भी देते हैं हराम खोर कहीं के, अपना काम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। क्यों ना हो, अगर महाराज को ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। बेटा अगर राजकुमारी महाराज के पास पहुंचने से पहले, यानी राजकुमारी अपने बाप से बता न सके कि सुरजीत ने मेरे साथ क्या किया, उससे पहले अगर महाराज का कत्ल कर दिया जाए तो फांसी को आदर देने वाला कोई रहेगा ही नहीं। महाराज का खून, लेकिन महाराज का खून कैसे होगा पिताजी? हाँ ये भी बात है, अगर महाराज का खून किया जाएगा तो और झाम में फंस जाएंगे। क्यों ना हो ये झाम किसी के सर पे मर दिया जाए, ऐसा कर जो सेनापति है अमर सिंह। क्या क्या हुआ? बस उसकी तलवार से अगर खून किया जाए तो हम तुम बच जाएंगे चूना लगा के, और फंस जाएगा वो ससुरा अमर सिंह। पिताजी वो सेनापत अमर सिंह की शमशीर कौन लाएगा और कैसे मिलेगी? अरे बेटा तलवार बोल उस तलवार की तू फिक्र छोड़ दे, क्योंकि हम सेनापत के कमरे जाते रहते हैं और एक दोस्ती के नाते हम उसके घर जाएंगे, उसके कमरे में जाएंगे और किसी प्रकार से हम उसकी तलवार की चोरी करेंगे और उस तलवार को लाकर तुझे देंगे। पिताजी अगर उस तलवार को लाकर के तुमने मुझे दे दिया तो समझ लो महाराज का खून हो गया। शाबाश, अगर तू इतना काम कर देगा तो तुझे मारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जान है तो जहान है, नहीं तो कुंवारा मर जाऊंगा, मेनका से मेरी शादी नहीं होगी। नहीं बेटा, पहले तो अपनी जान की देख, शादी की बात में सोचा जाएगा। बेटा चल, तू चल बैठक रूम में आराम कर, डर मत। पापा मुझे बचा लेना, नहीं तो मेरी फांसी की सजा मुकर्रर हो जाएगी। बैठक रूम में आराम कर। अब
अपनी ही औलाद से हारना होता है, अपनी ही औलाद से जीतना भी होता है। ये मंत्री अभिमान सिंह जीता तो नहीं लेकिन हार गया, लेकिन नहीं, इस हार को हम हार ना ही समझेगा, क्योंकि ये खोपड़िया बा, ये हमारी खोपड़िया कंप्यूटर बा, कंप्यूटर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर और अपने बेटे की शादी उस राजकुमारी से जरूर करेगा। चलता हूँ और सेनापत अमर सिंह की तलवार की चोरी करता हूँ। हेलो, हाँ हेलो, कहानी पे गौर फरमाइएगा। अभी तक आप लोग उज्जैन नगर की कहानी देख रहे थे। आइए दोस्तों, अब आप लोगों को ले चलते हैं जापान देश की तरफ, जहाँ पर एक मशहूर जादूगर जिसका नाम कृपाला है, जो कि अपने बाहर से मंदिर की तरफ जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। कृपाला, कृपाला, मैं तेरी देवी बोल रही हूँ बेटा, मैं तेरी भक्ति से खुश हो गई, बोल तुझे क्या चाहिए बेटा। माँ, एक बार, आज कई साल से मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, एक बार मुझ पे अपनी नजरें करम कर दे माँ, मुझे मेरे मन चाहा वरदान दे दे। तो माँ मेरी बात को गौर से। हाँ माँ बोल। तो तेरी भक्ति से मैं खुश और कृपाला हुई, तेरी भक्ति से खुश मैं। क्या मेरी माँ? भक्ति से मैं खुश कृपाला हुई, मैं तुम्हें दे रही एक तलवार में मेरी बरदायनी, और ये कर तू जा चला, जिंदगी भर न होगी तेरी हार है मेरी बरदायनी। ले लो मेरी तलवार,
और जो मेरी तलवार लेकर जाएगा तू कभी तलवार से हार नहीं पाएगा। कि धन हो ते भी मां धन हो कि जो कि दर्शन दियाया अपने बलदानी खंजर मुझे है मिला मुझको बलदानी खंजर जो तुमने दिया आज पाकर मैं मैया ये धन हो गया। कोई भी ऐसा बलदानी दूंगा मां एक मनुष्य की बलि मैं चढ़ाता ठंडबा आपने ये तलवार मुझे देकर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। माँ मैं वादा करता हूँ जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं हमेशा हमेशा एक मनुष्य की बलि हमेशा चढ़ाता रहूंगा। अब मुझे आप आज्ञा दें तथा मिलेगा क्योंकि मुझे दुर्गा माँ के चरणों में एक मनुष्य की बलि चढ़ाना है। चलो क्योंकि काफी रात हो गई है चलो थोड़ी देर आराम कर लो उसके बाद हमें ड्यूटी पे शीघ्र चले जाना है तब तक लिए मैं आराम करना चाहता हूँ। हेलो लिखने वाले भैया दोहा लिखने वाले भैया ध्यान देंगे अभी हमारे भुल्लू अभी हमारे भुल्लू यही सर में कहने वाले 50 रुपया सीन को देखते हुए व्यवहार आया है। धन्यवाद Woo!
कहूंगा तुम्हारे